नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक रेडोर हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि Redmi Note 4 में जो है Resurrection Remix को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Resurrection Remix जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेबल रोम है, और ये जो है नोगट के बेस पे Redmi Note 4 के लिए था, बट अब जो है Android Oreo के बेस पे जो है बन चुका है Resurrection Remix। कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा दीजिए। तो यार, सबसे पहले जो अपने Redmi Note 4 को बूट करना है अपने रिकवरी में, तो बूट करने के लिए आपको वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन को रिकवरी में बूट कर देनी है। अगर जो आपने अपने फ़ोन में रिकवरी इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन वीडियो को चेक कर सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है रिकवरी को। तो रिकवरी में जाने के बाद सबसे पहले बैकअप ले लें अपने फुल मोबाइल का। तो जैसे कि यहाँ पे बैकअप में जाके स्वाइप टू बैकअप कर लें, तो मैंने बैकअप ले लिया था इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको वाइप पे जाना है। वाइप पे क्लिक करने के बाद एडवांस वाइप में डॉल्विक सिस्टम डाटा कैश इतना सारा टिक करके आपको स्वाइप टू वाइप कर देनी है। इंटरनल अगर जो आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटरनल में फ़ोटो वीडियो बचा रहेगा। तो मैंने वाइप कर दिया स्वाइप टू वाइप। तो यहाँ पे स्वाइप फैक्ट्री डाटा रिसेट आप छोड़ दें, यहाँ से बैक करते जाइए। अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। और आपने अपने मेमोरी कार्ड या इंटरनल में जहाँ भी रखा है Resurrection Remix के रोम को, उसे सिलेक्ट करना है। तो यार, मैंने यहीं पे रखा था, ये रहा किंग ऑफ अपडेट के नाम से। तो उस पे आपको सिलेक्ट करनी है, और जो RR जो रोम है जिसे देखते हैं RR06.0.0, तो इसे आपको सिलेक्ट करके स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश कर देनी है। तो ये देख सकते हैं फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो चुका है। भाई, ये मोस्ट अवेटेड रोम आई थिंक XDA डेवलपर में Redmi Note 4 के लिए है। काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे कि भाई Resurrection Remix के बेस पे कब आएगा, तो फाइनली आ चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो बैक करते हैं, और यहाँ पे आपको गैप्स जो है उसे भी फ्लैश करनी है। तो गैप सिलेक्ट करते हैं और ये फ्लैशिंग। तो इस वीडियो को अगर जो आपने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक तो बनता है। तो ये देख सकते हैं गैप्स जो है इंस्टॉलिंग हो रही है। गैप्स में भी नॉर्मली टाइम लगेगा जितना आपको रोम फ्लैशिंग में लगा। तो ये देख सकते हैं सारा फ्रेमवर्क जो है सब फ्लैश हो चुका है। तो यहाँ पर आपको स्वाइप टू फ्लैश स्वाइप टू करके रिबूट कर देनी है, और उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो बूट लेगा फर्स्ट बूट। तो ये जो है देख सकते हैं एनिमेशन कुछ इस तरह से है, ऑसम है। और ये मैं थोड़ा सा स्किप किया, तो फाइनली बूट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखता है। लेट्स गो करते हैं, और सारा सेटअप को स्किप करते हैं, सेटअप एज नहीं हो। तो ऑसम है भाई, यहाँ पे आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन को सेट अगर अभी ना करें तो मैं आपके लिए कहूँगा ठीक रहेगा, क्योंकि बूट में लॉक लग जाता है किसी भी एंड्रॉयड ओडियो में। तो लॉक स्क्रीन को सेटिंग में जाके सेट करें हमेशा। तो यहाँ देख सकते हैं एंड्रॉयड ओडियो का कुछ इस तरह से एगेस्टर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई, देख सकते हैं सारा चीज़ आपको यहाँ पे सब कुछ बेटर चल रहा है। इसमें अगर जो बग्स की बात करें तो VLT वगैरह सब कुछ है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बग्स में नॉर्मली आपको ऐसे कुछ नहीं मिलेगा डे टू डे यूजेज में, शायद ही कोई बग्स मिल जाए, ऐसे तो मुझे अब तक कोई नहीं मिला भाई। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात कर लें तो सेटिंग में आप देख सकते हैं इतने सारे आपको भाई बहुत सारे मोड्स आपको मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यार, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा दीजिए। थैंक्स।